एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूंग इन योर स्टडीज तो आ गए जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे साढ़े बारह बजे इन आर आर बी एंड नॉर्थ सेट की प्रेपरेशन सो so, ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन इतने सारे करवा चुकी हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियोज देखते हो और उसमें से पाँच छह क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो मोर देन इनफ सेवनटीन हंड्रेड थर्टी क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ सेवनटीन हंड्रेड थर्टी वन क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं और अगर आप आर आर बी एंड नॉर्थ सेट की प्रेपरेशन करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रेगुलरली वीडियो आती है

अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो बेसिक क्लियर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन बेस्ट है बिकॉज इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं एम क्लासेस रहेंगी टेस्ट सीरीज रहेंगी डाउट क्लासेज रहेंगी प्रीवियस ईयर पेपर और थ्यूरी बैच में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी से प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्यूरी करेंगे सब्जेक्ट वाइज इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे एम क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर एवरीथिंग करवाइट या जाएगा ठीक है दोनों ही बैचेस जो हैं वो आपके जो है थ्री मंथ्स के बैचेस हैं एंड नॉर्थ हैं एक फोर मंथ्स का एक सिक्स मंथ्स का फोर मंथ्स के बैच की फीस है टू फाइव डबल नाइन और जो सिक्स मंथ्स का बैच है उसकी फीस है थ्री फोर डबल नाइन तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं चारों बैचेस में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग रहेगी ठीक है अगर आपको नॉन नर्सिंग की टेंशन सब्जेक्ट्स की है तो वो भी इसको करवाए जाएंगे प्लस चारों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है लाइव भी मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे तो रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी देख सकते हो विदाउट एनी टाइम बाउंड्रीज ठीक है सो so चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन करने जा रहे हैं सो so क्वेश्चन है एन ओल्डर क्लाइंट रिसेंटली हैज बीन टेकिंग सिमिटेड इन A nurse monitors the क्लाइंट फॉर द विच मोस्ट frequent सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन तो एक पेशेंट है ठीक है क्या ले रहा है सिमिटेड इन ले रहा है बहुत लंबे समय से ठीक है नर्स मॉनिटर करेगी कि इसमें से कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट सी एन एस का साइड इफेक्ट इस मेडिकेशन का होता है तो जो सिमिट इन है ये होती क्या है तो जो सिमिटड इन है बच्चे ये गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसको रिड्यूज करती है ठीक है क्या करती है सॉरी गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करती है ठीक है गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करती है और ये ज्यादातर हम स्मिटेडन किस में यूज करते हैं जब किसी को गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडिनल अल्सर हो क्या हो गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडिनल अल्सर हो ठीक है so, सो उनमें हम ये यूज करते हैं गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर वाले में क्या होता है कि पेशेंट का एसिड हमें कम करना होता है स्टमक का ठीक है गैस्ट्रिक अल्सर को रिडक्शन करना होता है जिसकी वजह से हमें समेटाडन देते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट्स अगर आपने कभी भी पढ़े हों तो बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ सी का साइड इफ़ेक्ट पूछा है तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं ट्रैमर डिजीनेस कन्फ्यूजन या फिर हेलूसिनेशन तो हमें देखने को मिलता है कन्फ्यूजन इफ़ आप देखो वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसमें जो है हमें सिर्फ कन्फ्यूजन ही है जो दिख रहा है ऑप्शन ठीक है ना ट्रेमर्स डिजीनेस एंड आपका गलत थे उसको, uh, करके सीधा को भी टिक लगा सकते थे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था ठीक है ना सो so वैसे तो डायरिया होता है हेडेक होता है नोजिया स्लीपलेसनेस बहुत से जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं पर सीएनएस का जो है वो दैट इज योर कंफ्यूजन ठीक है नेक्स्ट है अ क्लाइंट हैज यूज नॉन स्टीरोयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स तो उन्हें सैड ले रहा है एक पेशेंट ठीक है हैज़ बीन टेकिंग मीजोप्रॉस्टल मीजोप्रॉस्टल ले रहा है तो नर्स डिटरमाइन दैट मीजोप्रॉस्टल इज हैविंग दैट इन द इंटेंडेंट थैराप्यूटिक इफेक्ट इफ विच फाइंडिंग इज नोटेड सो so, अगर कोई पेशेंट ने सेड्स दे रहा है मीजोप्रोस्टल ले रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ देख के आप बोलोगे कि जो ड्रग है उसका थेरापेटिक इफेक्ट प्रॉपरली जो है पेशेंट पे हो रहा है सो so, आपके पास ऑप्शन है रिजॉल्ड डायरिया रिलीफ ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन डिक्रीज प्लेटलेट काउंट या फिर डिक्रीज डब्ल्यू काउंट सो देखो मीजोप्रॉस्टल में अगर रिलीफ ऑफ द एपीगेस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है देन इट शोज कि जो पेशेंट है उसको मीजोप्रॉस्टल का थेरापटिक इफेक्ट जो है प्रॉपरली हो रहा है नेक्स्ट ए क्लाइंट हैज बीन टेकिंग ऑमिप्राजोल फॉर फोर वीक्स द कम्बुलेट्री केयर नर्स इवेलुएट दैट क्लाइंट इज रिसीविंग द ऑप्टीमल इंटेंडेंट इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इफ द क्लाइंट रिपोर्ट द एबसेंस ऑफ विच सो ऑमिप्राजोल चल रही है एक पेशेंट को ठीक है और चार वीक से चल रही है चार हफ्तों से ओमिप्राजोल जो है पेशेंट ले रहा है तो इनमें से कौन सी चीज जो है आपको बताएगी कि जो पेशेंट है उसको ओमिप्राजोल का अच्छा खासा इफेक्ट हो रहा है मतलब उस पर वर्क कर रही है ऑप्शन है डायरिया हार्ट बर्न फ्लैटुलेंस या फिर कॉन्स्टिपेशन तो पहले मैं ओमिप्रेजोल की बात कर लूँ आज फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं तो ध्यान से इनको सुन लेना ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है क्या है ये प्रोटोन पंप इन्हीबिटर ठीक है सो so, मोस्टली जो आपकी ओमिप्राजोल है हम ये पैप्टिकल्सर्स या फिर हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम्स में देते हैं ठीक है सो so, ये क्या करती है ऑब्वियसली जो एसिडिक uh, अमाउंट है कंटेंट uh, है स्टमक का उसको कम करवाती है जिससे हार्ट बर्न नहीं होता इस जिनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ होती है उनके लिए बेस्ट रहती है ओमिप्राजोल क्लियर नेक्स्ट है एम्प्यूटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ हाई एम्प्यूटेशन फ्रॉम द हिप एंड द नी जॉइंट इज नोन एज तो वो कौन सी एम्प्यूटेशन होती है जो कि थाई पूरी थाई एम्प्यूटेशन होती है हिप से टू द नी सो इट्स अ ट्रांसफिम एम्प्यूटेशन ट्रांस टीबियल एम्प्यूटेशन लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन हिप डिसआर्क्यूलेन एम्प्यूटेशन तो ध्यान से सुनो इट्स अ ट्रांस फिमोरल एम्प्यूटेशन ठीक है देखो टीबीएल तो हो गया नी से नी के साइड से ठीक है लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन नहीं चाहिए हमें हमें पूरा लिम्ब नहीं हमें थाई से हिप से नी जॉइंट तक एम्प्यूटेशन चाहिए हिप डिस आर्क्यूलेशन नो इट्स अ फिमोरल फिमोरल की जो बोन होती है ट्रांसफिम एम्प्यूटेशन इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं क्लाइंट हैज अंडर एन अपर जीआई सीरीज टू रूल आउट पेप्टिक अल्सर डिसीज अपॉन द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन डज द नर्स एक्सपेक्ट एज पार्ट ऑफ रूटीन पोस्ट प्रोसीजरल केयर तो एक पेशेंट है उसकी अपर जीआई सीरीज़ हो गई हैं सो मैम व्हाट इज़ अपर जीआई सीरीज़ अपर जीआई सीरीज़ होती है कि अपर गैस्ट्रो जितना भी आपका अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके सारे टेस्ट हुए हैं चाहे वो बेरियम स्वेलो हो चाहे वो आपकी गेस्ट्रोडिनोस्कोपी हो ठीक है चाहे वो आप लोगों का एक्सरे uh, हो सी के सारे हुए हैं हर एक चीज़ हर एक टेस्ट हुआ है तो आप जी आई सी करा के पेशेंट आपके पास आया है तो ऑन रिटर्न पे आप क्या चीज उसमें देखोगे उसके नोट्स में जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी ब्लैंड डाइट पीओ एग्जेटिव डिक्रीज फ्लूड तो क्या होता है कि इस पेशेंट का ना हम बेरियम स्वेलो जो है मेन रखो बेरियम स्वेलो भी हुआ होता है ठीक है सो so, जो आपने बेरियम दे रखा है पेशेंट को या फिर जो डाइज डाली है पेशेंट के वो निकालनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं तो उसके लिए पेशेंट को हम माइल्ड लेग्जेटिव देते हैं ताकि थ्रू द फीसेज वो सारी चीज़ें निकल जाएँ बाकी अगर एक्सरेज हुए हैं बाकी सब चीज़ें हुई हैं उससे कुछ पेशेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होता उससे अपने आप ही पेशेंट को मतलब की कोई दिक्कत नहीं होती पर जब आपने बेरियम एंड डाई दी है तो उसको बॉडी से निकालना इंपॉर्टेंट है ठीक तो माइल्ड लेग्जेटिव जो है नर्स एक्सपेक्ट करेगी सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बैचेस का रिन्यू और रिवाइज करवा दूं देखो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर आने से पहले मैं बैचेस ज्वाइन करूँगा देन वेस्ट ऑफ मनी मत करना कहीं पे भी मैं कहूँगी बिकॉज इट्स हाई टाइम टू ज्वाइन द क्लासेज और स्टार्ट योर प्रिपरेशन ठीक है सो नॉर्सेट एट के लिए प्लस आरआरबी के लिए दोनों के लिए मेरे पास बैचेस हैं नॉर्सेट एट के लिए फोर मंथ्स का एंड सिक्स मंथ्स का बैच है जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग ए टू जेड आपको करवाया जाएगा प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड फोर मंथ्स की फीस है टू फाइव डबल नाइन सिक्स मंथ्स की है थ्री फोर डबल नाइन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है अगर आपका बेसिक क्लियर है फॉर आर आर बी स्पेशली फॉर आर आर बी ये दो बैचेज है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच थ्री मंथ्स का ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लास एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो टू टू डबल नाइन का थ्री मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बेसिक से स्टार्ट होने वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हर एक चीज इंक्लूडेड रहेगी आप मेरे से इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके बात करके सारी अपनी डाउट्स को क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो आज ही चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नर्स इज केयरिंग फॉर एन इनफेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग डायरिया वुड मॉनिटर द नर्स फॉर विच अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन तो पेशेंट है उसको डायरिया है तो इसमें से कौन सा अर्ली सिम्टम आपको देखेगा डिहाइड्रेशन का कूल एक्सट्रीमिटीज़ गे मोल्टेड स्किन कैपिलरी रिफिल टाइम ऑफ थ्री सेकेंड्स एपिकल पल्स रेट ऑफ वन एटी बीट्स पर मिनट सो अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है तो इट मीन्स पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है और हार्ट कंपनसेशन में जा रहा है बाकी जो साइंस हैं वो लेट साइन है ऑफ डिहाइड्रेशन पर टैकीकार्डिया इज़ अ अर्ली साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्लियर नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग फॉर द विदायनोज ऑफ व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेशेंट है कुशिंग सिंड्रोम का क्या चीज आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी कुशिंग सिंड्रोम क्या है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिजोल पेशेंट की बॉडी में होता है कॉर्टिजोल कहा से रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉटेक्स पार्ट से ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं पिट्यूटरी हाइपोप्ले

को मिलती पर अगर हाइपर प्लेजिया ऑफ एड्रीनल कॉटेक्स है तो हारमोन भी ज्यादा रिलीज होंगे और हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो कॉटीजोल ज्यादा होगा तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम होगा क्लियर नेक्स्ट है अ मेटर्निटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटिक मिलाइटस इन प्रेगनेंसी एट तो जो डायबिटिक मिलाइटस की स्क्रीनिंग है वो कब होती है सिक्स सेवनटीन वीक एटीन से ट्वेंटी थ्री वीक्स ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी एट वीक्स ट्वेंटी एट से थर्टी टू वीक्स तो इट्स बाय ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी एट वीक्स पे आप डायबिटिक मलाइटस की स्क्रीनिंग करते हो नेक्स्ट है विच एक्शन बाय द नर्स वुड मोस्ट इफेक्टिव इन रिलीविंग फैंटम लिम्ब पेन ऑन अ क्लाइंट विद द अबव द नी एम्पूटेशन तो अगर किसी का अबव द नी एम्पूटेशन हो रहा है तो जो उसे फैंटम पेन होती है उसके लिए आप पेशेंट को मोस्ट इफेक्टिवली क्या दोगे एक्नोलॉजिंग द प्रेजेंस ऑफ द पेन एलिवेटिंग द स्टम्प ऑन द पिल्लो एलिवेटिंग ऑर्डर ट्रांस क्यूटेनियस नर्व स्टमुलेटर यूनिट री रैपिंग द स्टैम्प सो देखो जो फैंटम पेन होती है इसको हम घोस्ट पेन भी कहते हैं जब आप किसी का लम्ब लिम्ब एम्प्यूटेट करते हो तो अब आपने निकाल दिया है वो लिब पर पेशेंट को तब भी वहाँ पर पेन फील होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप स्टैम्प को एलिवेट कर दो ऑन द पिलो जिससे पूरा वीनस रिटर्न होगा एडिमा से बचेगा और पेन नहीं होती पेशेंट को नेक्स्ट है द नर्स रिकोगनाइज इट वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू इंड्यूज इफ समन हैजेड विच ऑफ द फॉलोइंग तो अब ये नर्स समझ जाएगी कि इनमें से कौन से पेशेंट में वॉमिटिंग को इंड्यूस करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर उसने क्या ले लिया है आइबोब्रूफिन एस्पेरिन वाइटमिन गैसोलिन सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि

Pregnancy test that is a probable sign clear. सो आई थिंक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो को लाइक like जरूर करा करो एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं डिटेल्ड वर्जन में अच्छे से पढ़ना है तो आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके नॉर्स एट एंड आर के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आर के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ट्वेल्व में ओनली फॉर थ्री मंथ्स इज बेस्ट बैच जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है आर के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए टू का बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है नर्सिंग नर्सिंग प्लस नॉन क्लासेस हैं दोनों में. के लिए के आपको करवाया जाएगा तो ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में देन टू हार्ड वर्क मेक पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय ट्वेल्व थर्टी